इस तरह है जिस तरह दिन रात विचला फासिला, मेरिया रीजां ते मेरी औकात विचला फासिला। लफ्ज ता साऊ बहुत ने या खुदा बनिया रहे, मेरिया लफ्जां ते मेरे जज्बात विचला फासिला। हां मैं आपे ही कहा सी, मैं आपे ही कहा सी कि होठ सुचे रखने, पर हाय इस प्यास ते इस तलवार विचला फासिला। जे बहुत ही प्यास है ता मेट दया उस के हां, और अभी अभी जस्ट मैं एक महीने पहले ही लुधियाने में आई हूँ जस्ट बीएड करने के लिए। इससे पहले मैं चेन्नई में थी, चेन्नई में मैंने अपना ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया। बिकॉज ऑफ पेंडेमिक मेरे को वहाँ से आना पड़ा,
क्योंकि पेंडेमिक में समझ आ गया कि दुनिया बेकार है, माँ बाप भी सही है सबसे ज्यादा. तो इसलिए मैं अपने पेरेंट्स के पास यहाँ पे आ गई हूँ. एंड मैं होप करती हूँ कि जितना कुछ मैंने चेन्नई में अचीव किया उससे कई ज्यादा मैं इस कॉलेज में अचीव कर पाऊंगी, अपने आप को डेवलप कर पाऊंगी. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है. तो गरबा एक गा भी देती हूँ मैं आप लोग के लिए. अब मैं यूपी से हूँ और मेरे को बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि यूपी वालों के अंदर जो टैलेंट होता है गाना बिगाड़ने का, वो किसी के पास नहीं होता है. आप कोई भी गाना यूपी वाले को दे दो, उसको अच्छी तरीके से बिगाड़ के आपके हाथ में रखेंगे. तो बेबी डॉल में सोने दी का गाना था और मैं जब अपने गाँव गई थी तो बाहर जो लोग गाना गाने आते उन्होंने ही गाना गाया था और तब से वो गाना मेरे जहन में हो गया. अब कैसे गाया था सुनिएगा. ये दुनिया फेमस है, किसी को मालूम है, लगा हवे जुलब. ठीक है, मतलब ऐसा है कि बिहार में जाओ खाली ये गाना बजा दो, गाना आपने बजाया नहीं कि सारा बिहार नाचना चालू हो जाता है. तो थोड़ा सा उस पर मस्ती करेंगे. लगा हवे जुलब लगावे लुजब लिपस्टिक कमरिया 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 सुनाती हूँ जो कि लोकल वहां पे चेन्नई के जो लोकल गाने होते हैं ढिक्का 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 ढिक्का, वो उसमें वो लोग नाच लेते हैं, उसकी बीट है. सीट पे खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा भांगड़ा करेंगे सब लोग, जस्ट थोड़ा थोड़ा खड़े हो जाएंगे, हल्का सा भांगड़ा करेंगे, मजा आएगा. प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कुछ भी नहीं, जस्ट खड़े हो जाओ मेरे लिए, अच्छा खड़े हो जाओ. हाँ जी, खुल गया, खुल गया, खुल गया, शिंदे में मैंने जुटी रो, खुल गया, जे किसी ने
जिथे तो हर टाइम बच्चों फेस करना पैना, हर टाइम ऑडियंस को फेस करना पैना, सो यू मस्ट बी टैलेंटेड। तो जिहड़ा टैलेंट तुहाडे कोल हैगा उहनूं बाहर कढ़न वास्ते इहो जिहे मौके तुहानूं 2 ईयर्स दे विच बहुत सारे मिलेंगे। यू विल गैट इनफ ऑपरचुनिटीज टू शो योर टैलेंट। जिस तरह अज प्रेरणा बच्ची ने रक्ति गाया सी, इसे तरीके नाल थिएटर दी आइटम च पार्टिसिपेशन कीती है। इट इज़ अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन जो कि तुहाडा दिखा रहा है कि अगले 2 साल जो तुसी करोगे परफॉर्म तक कितना अपने टैलेंट नूं उपर लैके जाओगे ते कितना कॉलेज नूं उपर लैके जाओगे। एंड वी अश्योर फ्रॉम आर साइड एवरी काइंड ऑफ ऑपरचुनिटी विल बी प्रोवाइडेड टू यू पीपल एंड एवरी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड टू गेट अ प्रॉपर प्लेस टू योर टैलेंट। सो असीं उम्मीद करते हैं कि हर एक बच्चे के अंदर जो टैलेंट है, जो पोटेंशियल है, वो अबिलिटीज बन, ताकि 2 साल बाद जो इस कॉलेज तो जाओ, असीं भेजदे किसी बच्चे को नहीं होंगे, अज तक जिन्हें भी बच्चे 1955 तो लैके इतों गए हैं वो साढ़े न अज भी जुड़े हुए हैं साडे एलुमनाई के तौर पर। लेकिन फॉर्मली जो जाओगे तो इतों का कल्चर, इतों का वैल्यू सिस्टम, इतों दिखिया हुई चीजा ला के समाज लैके जाओगे तो बहुत कुछ सानू दे के जाओगे इतों जान लगे। सो वी विश के वो जर्नी बहुत सुंदर हो, बहुत वधिया हो, बहुत ही प्यारे विद्यार्थी हो। मेरे वालों सारे प्यार से सत्कार, सत श्री अकाल। जिवें अज असीं सारे ने इस प्रोग्राम का आनंद माणिया, उहदे नाल जो साडा मकसद सी वह भी असीं पूरा किया। टैलेंट सर्च प्रोग्राम तुसीं लैस उपर लिखिया देख रहे हो, यह 3 शब्द लिखे हुए हैं। इन्होंने 2 कीवर्ड्स देयर आर 2 कीवर्ड्स टैलेंट एंड सर्च, प्रतिभा की खोज करो।
ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਟਮ ਸੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਸਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨੋ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੀ ਐਡ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਐਸਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੋ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਿਕੁਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੋਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਮੇਨ ਏਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੋਨ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਸਪੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਈਟਮਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਤਬਾ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਚਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਯੂਅਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਟੀਚਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਖੋਜਣਾ ਹੁੰਦਾ